हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से क्या क्या अपडेट सामने आ रही है। तो पहली बड़ी खबर की अपडेट ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर एमिरेट्स एयरलाइंस कंपनी की तरफ से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एमिरेट्स एयरलाइंस कंपनी ने यहाँ पर ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो 30 अक्टूबर से दुबई से बेंगलुरु के लिए अपने डायरेक्ट फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है, जिसकी टिकट की बुकिंग आप एमिरेट्स एयरलाइंस कंपनी की वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं। इससे पहले ये एयरलाइंस कंपनी भारत के दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही थी, और अब यहाँ पर 30 अक्टूबर से ये एयरलाइंस कंपनी बेंगलुरु से भी अपनी फ्लाइटों को शुरू कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की जानकारी यहाँ पर जापान की तरफ से आ रही है, जिसमें कि जापान की गवर्नमेंट ने ये बताया है कि जो लोग भी इन 68 देशों से ट्रेवल करके जापान में जाएंगे, ऐसे सभी लोगों के लिए वीजा फ्री एंट्री करने की परमिशन मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बात करें कि इन 68 देशों में कौन कौन से देश शामिल है, तो इसको लेकर अभी तक कोई भी लेटेस्ट अपडेट सामने नहीं आ पाई है। इसके अलावा नेक्स्ट खबर की जानकारी यहाँ पर एतिहाद एयरवेज की तरफ से आ रही है, जिसमें कि एतिहाद एयरवेज ने ये बताया है कि वो अब यहाँ पर एशियन डेस्टिनेशन से भी अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करने की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अबुधाबी से गुआंजू और चीन के देशों में ट्रेवल करके जाना चाहते हैं, तो एतिहाद एयरवेज भी अपनी नई फ्लाइटों की शुरुआत कर रही है। तो दोस्तों, ये दो तीन जरूरी खबरें सामने आ रही थी आप सभी लोगों के लिए ट्रैवल से रिलेटेड, जिसकी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिली है। वीडियो यदि आप लोगों को काम की लगी है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और एयरलाइंस ट्रैवलिंग से आने वाली और भी लेटेस्ट खबरों की यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो चैनल के साथ जरूर बने रहें।